किसी हद तक। और हमारे एक आबादी है वो इसके नजदीक आते हैं, इस जगह पे आते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नजफ राजा। और मैं हूँ ज़की अब्बास। आसिफ ज़दा में खुश आमदीद। नाजरीन, कुछ यादें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, और कुछ यादें बहुत खौफनाक होती हैं। उनका ताल्लुक कुछ ऐसे वाकयात से जुड़ जाता है कि आप दोबारा उनको याद भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ जो बुरी यादें होती हैं वो उनकी वजह कुछ और नहीं होती, क्योंकि उनके साथ कुछ गैर मरई चीजें जो है उनका भी इश्तराक होता है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परेशानी का बाइस बनती हैं। जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं वहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी ही चीजें सुनने को मिली हैं, और बहुत से लोगों ने शिकायत भी की है कि यहाँ पर जो है वो हमें मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, और ऐसी कुछ गर्जने की आवाज या फिर कुछ जो है वो स्क्रीमिंग चीखने की आवाजें जो है वो इस तरह की आवाजें सुनने को मिलती है ना। बिल्कुल, क्योंकि और ये इमारत जो है आज तहकीक का हिस्सा बनी है। इस इमारत में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कई सालों से बंद है, वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। और कहा तो ये भी जाता है कि ना वो सेल होती हैं ना वो रेंट पर आती हैं। जिन लोगों ने कोशिश की कि वो यहाँ पर आए और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उनका बिजनेस सक्सेसफुल होते हुए भी नाकामियों को जा पहुँचा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बातें जो है वो ना सिर्फ जो लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने ये दुकानें रेंट पे लेने की कोशिश की है, और उन्होंने ना सिर्फ रेंट पे लेने के साथ साथ 2 से 3 दिन तक वो टिके यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे उनको ये जगह छोड़ना पड़ी, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे हमें अजीब सा खौफ महसूस होता है। तो ये खौफ जो है वो इसकी वजह क्या है, ये आसेब ज़दा होने की इसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या वजूहात हैं, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो है आगाज करते हैं बगैर वक्त जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, देखें कितना ज्यादा गंद है और जाले, देखें आप। और आपने एक और भी चीज देखी होगी कि क्योंकि ये चीजें जो है वो ज्यादातर गंदगी के ऊपर जो है वो होती हैं, और ये यहाँ पे देखिए ये किस तरह से जाले और यहाँ पे काफी चीजें जो है वो। अच्छा, यहाँ पे अजीब किस्म की स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बू है, शायद वो गंद की वजह से भी है, और कहीं ना कहीं जाले और जो जगह की सालों से बंद। यहाँ पे कुछ ज्यादा स्मेल आ रही है, और इस क्योंकि कहा भी जाता है कि ये ऐसी जगह जहाँ पर स्मेल बहुत ज्यादा हो, गंदगी जहाँ पर होती है, इन जो गैर मरई चीजें जो हैं उनका वजूद भी नजर वहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पर आइए थोड़ी देर पहले। रीडिंग आई है। हाँ, रीडिंग आई है, और अब यहाँ पर नहीं आ रही रीडिंग। अजीब सा यहाँ पर एहसास है, क्या है अच्छा। और जब हमने यहाँ से वो वार्डन से पूछने की कोशिश की जो यहाँ पे रहता है, तो वो भी यही कह रहा था कि यहाँ पे लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो वो बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ से उन्हें कुछ चीजें जो है वो कुछ खौफनाक आवाजें सुनने को मिलती हैं। तो आज वही चीज जो है वो देखते हैं कि कहाँ से। बकायदा यहाँ पर छत पे ही नहीं जकी, यहाँ पर जमीन पर भी ये जाले मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं। ये लगता है कि काफी अरसे से यहाँ पे जो है वो सफाई ही नहीं, सालों से ही बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और यहाँ पर जो मालूम हुआ है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने इस जगह को जल्द अज जल्द और एक हफ्ते के अंदर ही खाली कर दिया है। क्या वजूहात हो सकती हैं, उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर महसूस की हैं, बकायदा आवाजें सुनी हैं। ध्यान से ये देखें, यहाँ पे जो है वो जैसे बहुत पुरानी इमारत होती है कुछ इस तरह से। आवाज यहाँ जाना चाहूंगी, देखना चाहूंगी यहाँ पर ईएमएफ रीडिंग देता है या नहीं। ये
यहाँ पे यहाँ पर अब ये देखें, ये नहीं रीडिंग नहीं दे रहा। यहाँ से आपको आवाज सुनाई दी? हाँ, ये चीज जो है वो सुनाई दी आपको? ये कैसे गिर रहे? ये यहाँ तो था, ये गिरे कि कुछ और? जकी, अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि अपनी मौजूदगी का इजहार दिलाइए, ये कुछ गिरा कर यहाँ पे जो है वो कैमरे के सामने आ सकते हैं आप बगैर नुकसान पहुंचाए? यहाँ पे जो है वो एग्जिस्टेंस तो है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस इतना मतलब हमसे शायद बात नहीं करना चाह रही या कैमरे के सामने आना नहीं चाह रही। रेयर होता है कि हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो बात करें, सामने आए, उनको कुछ ना कुछ वो इशारा देते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो इशारा देती है, हम कोशिश करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, आप ये देख रहे हैं ये दीवार पर कितने ज्यादा जाले मौजूद हैं, मतलब ये छतों पर लगा। ये वैसे भी ये जो जाले होते हैं ये वैसे भी नहुसत की अलामत होते हैं, जहाँ पे कोई किसी और चीज की इंसानों की मौजूदगी ना हो ये जाले वहाँ पर होते हैं। और एक अरसे से बहुत ये पुरानी जो, क्योंकि जो यहाँ पे बिल्डिंग के जो मालिक हैं वो भी बता रहे थे कि ये यहाँ पे जो नज़दीक भी जो शॉप्स हैं वो भी कोई ये खरीदने की बात ही नहीं करता है। यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे ये नहुसत की अलामत है और यहाँ पे सारी सी बात है कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस है। अब नहीं आ रही, ये दोबारा रीडिंग आई है, दोबारा आ रही है। और अगर मैं इसी जगह पे दोबारा लेकर आऊँ तो रीडिंग नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही इस जगह की ना कि किस तरह इसको। अच्छा, यहाँ पे जकी आवाजें सुनी गई हैं कि यहाँ पर रात को रोशनियाँ मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यहाँ पे लोगों लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं है। लाइट का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है लेकिन रोशनी रात के वक्त यहाँ से मूवमेंट शो करती है। और हमें एहतियात करने को कहा गया है कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको एहतियात कीजिए। यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो जो मालिक था उसने ये बताया कि आप रात के टाइम यहाँ पे ना आए क्योंकि रात के टाइम ज्यादातर जो है वो प्रॉब्लम होती है, और अगर आपने आना है तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये अभी आपने रीडिंग देखी? रीडिंग आई है लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं, उस वक्त आती है रीडिंग और कुछ देर बाद उसी जगह से रीडिंग नहीं आती है। वो चीज मूव कर रही है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है वो मूवमेंट शो कर रही है। और मैं मुझे लगता है ये वही रोशनी है जो रात में कुछ रात के पहर में लोगों को दिखाई देती है। ये रोशनी है या फिर अंधेरा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो कि ज्यादातर जो आवाम को परेशान किए हुए है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमें अपने मौजूदगी का एहसास भी दिलाया है, अगर आप हमसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। ये रीडिंग आई है, हमसे बात कर सकते हैं? ध्यान से, हमसे बात कर सकते हैं आप? कैमरे के आगे आ सकते हैं? हमें जो चीजें सुनने में मिली हैं, अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या था? ये ईंट गिरी है। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या था?
ये ईंट गिरी है इनकी, ये गिरी है यहाँ से गिरी है। ये कैसे गिर सकती है? ध्यान से नजर, ध्यान से। आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्डिंग आ रही है और ईंट भी इधर से गिर रही है। हम आपकी यहाँ से कोई चीज लेने के लिए नहीं आए, सिर्फ देखने के लिए आए हैं। और ना यहाँ पे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है यहाँ पे, और ना ही हम आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये यहाँ पे नजर जो भी ये गिरी है, आप ज्यादा महतात हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको आवाज आप से आ रही है। सामने से आई है आवाज, ये इस साइड है, चले इधर देखते हैं। हमें वहां आने की इजाजत दीजिए। रुक जाएं जकी, रुक जाएं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आवाज इस साइड से आई है, हम वहां आ सकते हैं। ये रुक जाएं, रीडिंग आ रही है यहाँ से, और वहां पे कुछ ना कुछ मौजूदगी है किसी चीज की। ये देखिए यहाँ पर भी जा रहे हैं। अच्छा जकी, ये जो इमारत है यहाँ बाहर, मतलब ट्रैफिक वगैरह का आना जाना है, लेकिन और ये शॉप्स हैं बकायदा, लेकिन यहाँ पर ये जो शॉप्स हैं कई सालों से बंद हैं, और वजूहात जो बताई गई हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो वजूहात हैं यहाँ पर क्यों नहीं कोई अपना बिजनेस करता, वो यही है कि यहाँ पर कुछ चीजें महसूस की गई हैं, नजर आई हैं, लोगों ने देखी हैं, और वो इस कदर खौफनाक है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। आपको आवाज सुन नहीं रही है यहाँ पे? मुझे जो है वो अजीब सी जो आवाज थी, विस्परिंग जिस तरह ना, उसमें कुछ बात है, हमारे अलावा भी यहाँ पे जैसे कोई मौजूद है। हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपने ये देखा? ये रीडिंग, ये बार बार आती है, जाती बार बार आ रही है, मतलब हमारे भी कोई मौजूद है, वो हमें फॉलो कर रहा है, हमारे पीछे आ रहा है, आगे देख रहा है, आगे जो है बिल्कुल देखते हैं। कोई पीछे था और मुझे ऐसा लगे कोई गुजर के गया है। यहाँ से आवाज आई है और कुछ ये असरात जो है वो सामने आ रहे हैं, और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां पे हम बात कर रहे थे कि वो मौजूद